नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आइए आज देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले, अगर अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? जी हाँ, राज्यपाल को। आगे देखते हैं, अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के कंकरगढ़ घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुए थे? जी हाँ, 30 मार्च 1858 को। आगे देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है, निलंबित और हटाना। ये होता है टेम्पररी, ये होता है परमानेंट। अगर टेम्पररी हटाना है तो राज्यपाल करेगा, परमानेंटली हटाना है तो राष्ट्रपति करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऑल झारखंड स्टेट यूनियन यानी आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थोड़ा पहले जानते हैं आजसू के बारे में। आजसू एक्चुअली पहले जेएमएम का ही पार्ट था, 1986। ये उस साल था जब वो फॉर्म हुआ था, और उनके प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की। चलिए आगे देखते हैं, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? जी हाँ, दीपसेन गुप्ता। शीतकालीन में पूर्वी भाग का तापमान कितना सेल्सियस रहता है? ये एवरेज पूछ रहा है, ठीक है, ये एवरेज पूछ रहा है कि एवरेज कितना रहता है। तो एवरेज रहता है 17 से 19 डिग्री। देखिए, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किस संगठन की तर्ज पर हुआ था? जी हाँ, आसाम छात्र संगठन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था वो। आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा खून के बदले खून की राजनीति को प्रतिपादित किया था? जी हाँ, तो आजसू के नेता थे सूर्य सिंह बिस्रा, वो खून के बदले खून का नारा ने दिया था। आगे देखते हैं, आजसू का गठन किस पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी हाँ, क्योंकि आजसू पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही पार्ट था, लेकिन 1986 में क्या हुआ, वो आजसू अलग हो गया जेएमएम से, और ये आजसू पार्टी फॉर्म हुआ था आपका टाटा में। चलिए आगे बढ़ेंगे, किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? जी हाँ, तो वो थे जमींदार माधव सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे, जमींदार माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों का भूमि विद्रोह किया था। आगे देखते हैं, 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया? मतलब गंगा नारायण सिंह को एक्चुअली जो हत्या की गई, जो उसको मारा गया, वो किसने मारा? तो चेतन सिंह ने मारा, खरसावां का चेतन सिंह। चलिए आगे देखेंगे, खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह का सर काटकर किस अंग्रेज को गिफ्ट किया था? तो होगा कैप्टन विल्किंसन। आगे बढ़ेंगे, संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ, 1855-56 में ये चला था, 1855-56 में। आगे देखेंगे, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह का दूसरा नाम है हुल विद्रोह। चलिए आगे बढ़ेंगे, राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी यानी कि PRO कौन होता है? जी हाँ, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। 1857 विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था? जी हाँ, सिंहभूम के राजा अर्जुन सिंह पर। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग सिख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था? जी हाँ, चुटुपोली घाटी। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? जी हाँ, दुमका, जो झारखंड की उपराजधानी है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? दुमका में है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। तो पाकुड़ जिला क्यों प्रसिद्ध है? पाकुड़ जिला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे बीड़ी निर्माण होता है। जी हाँ, बीड़ी निर्माण के लिए फेमस है। और आप एक ही जवाब जान सकते हैं, झारखंड में सबसे कम, जी हाँ, सबसे कम जो शिक्षा है, शिक्षित जिला है, वो कौन सा है? पाकुड़। और अगर आपसे ये भी पूछे कि झारखंड का वैसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा तेजी से शिक्षित हो रहा है, जी हाँ,
तो वो भी इसका आंसर होगा पाकुड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास का राजधानी बनाया था? तो वो था दुर्जन शाह। देखिए खुखरा से दोईसा शिफ्ट किया था दुर्जन शाह ने, लेकिन दोईसा से फिर पालकोट शिफ्ट किया वो आई थिंक यदुनाथ जी थे। देखेंगे आगे। देखिए 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? तो तमाड़ विद्रोह को दबाने में जेम्स क्रॉफ्ट ने भूमिका निभाई। किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी दोईसा से आगे क्वेश्चन दोईसा से पालकोट शिफ्ट की गई? तो दोईसा से पालकोट शिफ्ट गई यदुनाथ शाह के टाइम पे। चलिए आगे। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, तो वो उसका आंसर होगा विष्णु मांकी। रबी फसल में किसका सर्वप्रथम स्थान है झारखंड में? तो वो है गेहूं का। तिलका मांझी ने आंदोलन कब शुरू किया था? तो आपको बताना चाहिए कि तिलका मांझी का आंदोलन 1783 से 1785 तक चला था, और 1785 में ही भागलपुर के जेल में उसे फांसी दे दी गई थी, और जहां पे फांसी दी गई थी उसे आज भी तिलका मांझी चौक कहा जाता है, भागलपुर में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि झारखंड में वो कौन सा ऐसे दो जिले हैं, जी हाँ, जो किसी और राज्य से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, यानी कि वो कौन सा ऐसा दो जिला है जो लैंड लॉक्ड है? तो इसका आंसर होगा खूंटी और लोहरदगा। जी हाँ, यही दो जिले हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।